जो काम खुद मोदी और अमित शाह भी नहीं कर पाए, गुजरात चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने वो करके दिखा दिया। ना मोदी का जादू चलेगा, ना अमित शाह की चाणक्य की नीति, तो क्या स्मृति ईरानी के प्लान से बीजेपी जीतेगी गुजरात चुनाव? गुजरात में मोदी शाह के अलावा बीजेपी के 100 से ज्यादा मंत्री और विधायक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असली गेम स्मृति ईरानी खेल रही है। सिर्फ 5 दिन के अंदर स्मृति ईरानी ने कैसे गुजरात चुनाव की हवा को बदल दिया, केजरीवाल और सोनिया गांधी भी नहीं समझ पाए। कहते मोदी 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस दौरान चाय वाला का आइडिया स्मृति ईरानी ने ही दिया था और इसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्मृति ईरानी का भी मोदी सरकार में कद बढ़ता रहा। जिस तरह से कभी अटल बिहारी वाजपेयी सुषमा स्वराज पर भरोसा करते थे, उसी तरह से पीएम मोदी भी स्मृति ईरानी पर भरोसा करते हैं। गुजरात में जब पीएम मोदी को लगा कि बीजेपी की नाव हिल सकती है, तो आखिरी दांव स्मृति ईरानी पर खेल दिया है। स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी पारसी धर्म से हैं, जिनसे इन्होंने लव मैरिज किया था। स्मृति ईरानी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने तो एक पारसी लड़के से शादी की है, फिर हिंदुओं की बात आप क्यों करती हैं? इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं एक सच्ची हिंदू हूँ, मैंने धर्म नहीं बदला है, अगर मुझे धर्म बदलने के लिए कहा जाता तो मैं शादी नहीं करती। स्मृति ने जवाब देते हुए कहा था कि मुझे अपने देश से और हिंदू होने पर गर्व है। अब इसी देश प्रेम और धर्म के नाम पर स्मृति ईरानी ने गुजरात चुनाव का पूरा गेम बदल दिया है। आप कहेंगे कैसे, तो इस 2 मिनट की पूरी रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी को लग रहा था कि हिमाचल चुनाव की तरह गुजरात में भी राहुल गांधी प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर गुजरात जाने का फैसला किया। राहुल को रोकने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में राहुल गांधी ने मां शारदा की आरती करते हुए इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया था। पूजा करते हुए राहुल एक शॉल भी ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ओम लिखा हुआ है। इस तस्वीर में ओम उल्टा लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्मृति ईरानी की नजर पड़ी राहुल गांधी की इस तस्वीर को, स्मृति ईरानी ने उल्टा करके ट्वीट कर दिया और लिखा अब ठीक है। कुछ घंटे में ये तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें राहुल गांधी उल्टे दिख रहे हैं और ओम सीधा नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव से ज्यादा भी इस तस्वीर को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इससे पहले इसी हफ्ते सेना ने कहा था कि सरकार के आदेश का इंतजार है, आदेश मिलते ही पाकिस्तान से पीओके छीन लेंगे। सेना के इस बयान का फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने गलवान हमले का हवाला देते हुए सेना का अपमान किया था। इस बयान के बाद ऋचा चड्ढा के समर्थन में कांग्रेस के भी कई नेता आ गए थे। ऋचा चड्ढा ने माफी तो मांग ली, लेकिन स्मृति ईरानी ने इसे भी गुजरात में मुद्दा बनाकर देश के अपमान से जोड़कर कांग्रेस को घेर रही। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल से निपटने के लिए भी ईरानी ने तिहाड़ जेल में मौज कर रहे आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मोहरा बनाया है। सूरत की एक सभा में स्मृति ईरानी ने महिलाओं से सवाल करते हुए कहा है कि जब आपके पास आम आदमी पार्टी का कोई नेता वोट मांगने के लिए आए, तो उसे ये जरूर पूछ लेना कि तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार का मंत्री बंद है और वहाँ रेप के आरोपी से अपने पैर दबवा रहा है, 5 स्टार वाली जिंदगी जी रहा है, मालिश करवा रहा है। क्या गुजरात में भी अपराधियों को ऐसी सुविधा देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? स्मृति ईरानी ने जो मुद्दे उठाए, इसका असर भी हो रहा है। गुजरात का ज्यादातर चुनाव फिर से हिंदू और मुसलमान में बढ़ता दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि आखिरी वक्त में जब हालात बिगड़ने लगे थे, तो खुद पीएम मोदी ने ही प्लानिंग के तहत स्मृति ईरानी को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतारा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी गुजरात चुनाव इस बार जीत पाएगी या फिर हार जाएगी? अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।